अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जिस्म की उस सरहद के मुतालिक जो कि हमारी हिफाजत करती है धूप, गर्मी, सर्दी, पानी, इसके अलावा इन्फेक्शन से भी, यानी इंसान की जल्द। देखा जाए तो जल्द को खूबसूरती की ज़मानत भी समझा जाता है। जल्द खूबसूरत हो तो इंसान खूबसूरत नज़र आता है, और जल्द की खूबसूरती में एक बहुत अहम किरदार इंसान की रंगत का होता है। यही वो मौजू है जिस पर आज के प्रोग्राम में बहस की जाएगी। इस मौजू पर बातचीत करने के लिए बतौर मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है और जिनका ताल्लुक हेल्थ केयर हॉस्पिटल से है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए जल्द की रंगत की, तो इसकी क्या अहमियत है और ये किस बिना पर बनती है? देखिए, जल्द की जो रंगत है वो जल्द के अंदर एक सेल्स होता है ख़ास, उसका नाम होता है मेलानोसाइट्स, और वो मेलानोसाइट्स जो होता है वो कलर बनाता है जिसका नाम होता है मेलानिन। और ये मेलानिन जो होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसानी जल्द के लिए, कि ये जो है इंसान को जो अल्ट्रावायलेट की रेज होती हैं, सूरज से जो हार्मफुल शुआएँ, ख़तरनाक शुआएँ आ रही होती हैं, ये मेलानिन जो होता है ये कलरिंग पिगमेंट, उससे इंसानी जल्द को महफूज रखता है। जी, ये है इसका। और जाहिर है कि जब जल्द आपकी महफूज है तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो बीमारियों से, जल्दी बीमारियों से, खुसूसन अगर जिनमें ये नहीं होता मेलानिन तो उनको सन बर्न हो जाता है, तब इससे जल जाते हैं सूरज की, और रिपीटेडली अगर ये होता जाए तो फिर ये कैंसर में तब्दील हो जाता है, जो कि इसको मसल कार्सिनोमा कहलाता है। तो ये कलर जो है होना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ताला का एहसान है हम लोगों पर कि हम लोग जो हैं कलरिंग पिगमेंट जो है मेलानिन ज़्यादा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और ये अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि रंग अगर पक्का हो तो सेहत की ज़मानत होता है जी, इसी मुनासिबत से मैं ये पूछना चाहूँगा क्या कोई ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं जिनकी वजह से रंगत में इजाफा होता हो? जी बिल्कुल, बाज़ औक़ात ये होता है कि मेलानोसाइट्स जो होते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा कलर बनाना शुरू कर देते हैं। जब ज़्यादा कलर बनाना शुरू करेंगे तो कोई किसी भी चीज़ की ज़ाती नुकसानदेह होती है। तो इसी तरीके से जल्द को कहते हैं द मार्कर ऑफ इंटरनल डिजीज। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके जल्द अंदर कोई ऐसी बीमारी हो रही है जिसकी वजह से मेलानोसाइट्स एक्टिव हो गए और उन्होंने जो है वो करना शुरू कर दिया, कलर बनाना शुरू कर दिया, तो ये एक इंडिकेशन भी है कि आपके अंदर कुछ हो रहा है जी, जिसकी वजह से जो है ये आपकी जल्द, यानी इंसान के अंदर की बीमारियां जल्द से जाहिर हो सकती है, उससे भी जाहिर हो जाती है। और इसके अलावा मतलब लोकलाइज एरियाज ऐसे होते हैं, मखसूस एरियाज जिनके ऊपर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से कलर बनना जिसमें शुरू हो जाता है, तो वो भी पता चल जाता है कि ज़्यादा बन रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है गड़बड़ हो रही है और आपको उसको दिखाना चाहिए कि जी फौरी तौर पर इसको ट्रीट कराएं, ये है इसमें ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा लोकली भी ऐसा हो सकता है और पूरे जिस्म पे भी ऐसा हो सकता है जी, तो इन बीमारियों का थोड़ा सा मैं तस्करा चाहूँगा कि कौन सी बीमारियाँ होती हैं, किस किस्म की बीमारियाँ? सबसे पहले तो हम चेहरे पर आएँ, और चेहरे पर एक बहुत ही कॉमन लोकली हाइपर पिगमेंटेड डिजीज़ जो है उसका नाम है मेलाज़मा, मेलाज़मा या कोलाज़मा, उर्दू में इसको कहते हैं छाइयाँ या झाइयाँ, जिसके बारे में ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि अगर कॉस्मेटोलॉजी में खुसूसन ये जो है ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, जो सबसे ज़्यादा ख़वातीन कॉन्शियस होती हैं वो अपने चेहरे के पिगमेंटेशन या छाइयों के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा, तो ये लोकलाइज जो है वो है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फ्रेकल्स हैं, लेंटिजन्स हैं, और एक्सोजेनस ओक्रोनोसिस है, और ये सारी वो हैं जो महदूद रहती हैं, ये महदूद रहती हैं, जैसे निबसोफोटा है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ एक ख़ास इलाके पर, एक ख़ास जिस्म के स्किन पर मखसूस होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इन्हीं का तस्करा किया जैसे मेलाज़मा का आपने तस्करा किया, और ख़वातीन बेशक वो मेरे ख्याल से हमारी आबादी का 50% हिस्सा है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा 55% है, तो मैं उन्हीं की मुनासिबत से ये पूछना चाहूँगा कि ये फ्रैकल्स होते क्यों हैं, क्या वजूहत होती हैं जो इनका बायस बनती है? देखिए, एक तो अभी तक हमारे यहाँ जो है ना लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं है मेलाज़मा क्या है और फ्रैकल्स क्या है। मेलाज़मा जो होता है वो छाइयाँ, असल छाइयाँ या झाइयाँ जो होती हैं वो मेलाज़मा होती है, कि जिसमें लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन होती है चेहरे के ऊपर दोनों तरफ एक जैसी। फ्रैकल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे से स्पॉट्स होते हैं। अच्छा, इन दोनों में भी तफ़ीक, इन दोनों में भी फ़र्क है। तो बाज़ औक़ात आके लोग कहते हैं जी फ्रैकल्स हमें बहुत अरसे से निकले हुए, तो मैं मतलब साथ साथ ये इनकी तस्सीह भी करता रहता हूँ, थोड़ा सा उनको एजुकेट भी पेशेंट्स को करता हूँ कि नहीं, ये फ्रैकल्स नहीं है, मेलाज़मा है आपको।
तो ये मलाजमा जो है वो ज़्यादा। अच्छा, छाइयों के मामले में ये देखा गया है कि ख्वातीन ही ज़्यादातर परेशान नज़र आती हैं, मर्द हज़रात इतने परेशान नहीं होते, इसकी वजह क्या है? क्या मर्दों में ये बीमारी नहीं मिलती? भाई मर्दों में है, मर्दों में है, लेकिन इसका रेशो जो है ना मर्दों में कम है, 1:20, यानी कि अगर एक मर्द तो 20 औरतें, ये है इसका। लेकिन ये कि मर्द नहीं परेशान ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने देखा है कि मर्द भी अच्छे खासे मेरे पास आते हैं प्रैक्टिस में, जब मैं क्लिनिक पर, कि डॉक्टर साहब ये देखें क्या हो गया, तो फिर जाहिर है कि अब जिस पे गुजरती है वही वही जो बीती है वही वही कह सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, उम्र का कोई खास हिस्सा होता है जिसमें ये मामला सामने आता है? जी ज़्यादातर वैसे ये जो होता है आफ्टर प्यूबर्टी, 20 साल से लेकर 50 साल तक की औरतों में ये ज़्यादा ख्वातीन में पाया जाता है। अच्छा, और मशरक़ और मग़रिब दोनों जगह पे बराबर मिल रही है? ना 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 ना, जहाँ पर सूरज ज़्यादा एक्टिव होता है, जहाँ पर कलरिंग पिगमेंट ज़्यादा होता है स्किन में, यानी हम लोग एशियंस, जी एशियंस में, अफ्रीकन्स में, इन लोगों में जो है ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि उधर तो सूरज ही नहीं निकलता। जब सूरज ही नहीं निकलेगा तो सनलाइट नहीं होगी, सनलाइट नहीं तो अल्ट्रा वायलेट रेस किस तरह से वो उसको एरिया को जो है वो करेंगे, हाइपर पिगमेंटेशन जो है ना फिर ज़रा उधर कम होता है, यहाँ पर हमारे यहाँ ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, चेहरे के वो कौन से हिस्से होते हैं जो ज़्यादातर मुतासर होते हैं? हाँ, इसमें दरअसल जो हम इसको ग्रेड्स का या क्लासिफाई करते हैं, इसमें तीन तरह के होते हैं मेलाज़मा के। एक तो सबसे पहला सेंट्रोफेशियल कहलाता है। सेंट्रोफेशियल का मतलब है सेंट्रल एरिया ऑफ द फेस इज़ इन्वॉल्व। इसमें ये है कि माथे का जो है दरमियानी हिस्सा है, नाक पर छाइयाँ आ जाती हैं, अपर लिप पर आ जाती हैं, चिन पर आ जाती हैं, और मोस्टली तकरीबन 50% पेशेंट्स को जो होता है सेंट्रोफेशियल टाइप ऑफ मेलाज़मा होता है। और उसके बाद जो होता है वो होता है मैक्सिलरी, ये जो चीक है, चीक का आउटर पोर्शन, इसके ऊपर छाइयाँ आ जाती हैं। और थर्ड वन जो है वो कहलाता है मैंडिबुलर, नीचे की तरफ यहाँ जबड़ों के पास जो छाई हैं वो मैंडिबुलर। तो मैं सेंट्रोफेशियल, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, इसको मतलब हम अपने हिसाब से करके और फिर उसको देखते हैं कि क्या है। इन छाइयों के बनने की कोई ख़ास वजह होती है? यस, देखिए अब तक कोई एक ख़ास जिसे कहना चाहिए एटियोलॉजिस्ट की दरियाफ्त नहीं हुई है। 50% ये छाइयाँ जो हैं ये नॉर्मल लोगों में होती हैं जिनको कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं होती, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल। बाकी जो 50% हैं उसके उनमें जो है सबसे पहले तो जेनेटिक एलिमेंट होता है इसके अंदर, कि माँ को थी, बहन को है, खाला को है, तो इनको हो गए पेशेंट को, ठीक है। जेनेटिक के बाद जो दूसरा है उसको कहते हैं हम मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा। हमल, दौरान हमल जो है ये ज़्यादातर जो है आ जाते हैं चेहरे पे, क्योंकि उसमें खून में हार्मोन होता है प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन होते हैं, और ये हार्मोन जब बढ़ते हैं तो ये मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट कर देते हैं, और इसकी वजह से मेलानोजेनेसिस इंक्रीज़ हो जाती है। जब ज़्यादा होती है मेलानिन ज़्यादा बनते हैं तो पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर आप कोई अलग-अलग से हार्मोन ले रहे हैं, मीन्स कंट्रासेप्टिव, अगर आप कोई मतलब माने हमल कोई दवा ले रहे हैं तो उसमें भी यही चीज़ें होती हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो हार्मोनल लेवल को जो ऊपर से दिया जाता है, हाँ, तो ये ज़्यादा होता है। अच्छा, फिर उसके अलावा बास दवाएँ ऐसी होती हैं जिनसे इंसान को एलर्जी होती है, वो कुछ खाने वाली दवाएं ऐसी होती हैं, जैसे एक्ने में माइनोसाइक्लिन एक दवा होती है वो खाते हैं, उसकी वजह से भी ये हो जाता है। और बाज़ को पता नहीं होता, वो उल्टे सीधे कॉस्मेटिक